असम विधानसभा के 11 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहा, रंगिया, सरभोग और गुवाहाटी में पीएम मोदी रैली करेंगे। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी असम के कामाख्या देवी में भी पूजा अर्चना करेंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने गुड़ी पड़वा के मौके पर कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक कई मुद्दे उठाए हैं। असम चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोनिया गांधी के बाद आज राहुल गांधी चुनावी रैली करेंगे। कानपुर, नालबारी और दारंग में जनसभा को संबोधित करेंगे। लातूर में पानी के संकट गहरा चुका है। लोग रात में ही लाइन में खड़े होकर पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रीनगर एनआईटी में बाहरी छात्राओं को रेप की धमकियां मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश से पढ़ने गई छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनसे कहा गया है कि एक के साथ रेप होगा तो सब ठंडे पड़ जाओगे। कश्मीरी छात्रों के एक ग्रुप ने यह धमकी दी। हमें इस कॉलेज में मंदिर ना बनाना है ना मस्जिद तोड़वाना है, हमें बस जस्टिस चाहिए जो हमारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। एंड डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू। We want justice. श्रीनगर एनआईटी में गैर कश्मीरियों पर सितम की दास्तान का वीडियो सामने आया है, जिसमें गैर कश्मीरी छात्र अपनी दर्द की कहानियां बयां कर रहे हैं। एनआईटी श्रीनगर में छात्रों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर 2 छात्रों पर एक जवान की तैनाती की गई है। एनआईटी में 20 छात्रों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा को लेकर केस दर्ज किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की आपराधिक मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 आरोपियों को 20,000 की मुचलके पर जमानत दे दी है। सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से कहा कि आप यहां क्यों आए हैं, क्या दस्तावेज साथ लेकर आए हैं, ये कोई पिकनिक की जगह नहीं। देश के 9 राज्यों में पड़ रहे सूखे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सूखा क्या हमारे हाथ में है, भगवान की दया रही तो बारिश होगी। कहना नहीं, सूखे हमारे हाथ में है क्या, भगवान ने दया किया तो बारिश आएगा, नहीं आए तो जो सरकार के द्वारा जो भी काम होना चाहिए वो काम होते रहते हैं। उत्तराखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त वाले स्टिंग को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज। समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश जी के वकील ने दर्ज कराई शिकायत। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर की सुनवाई, अब शुक्रवार फिर होगी सुनवाई। के दौरान सिंघवी ने दी दलीलें तो बागी विधायकों के वकीलों ने सिंघवी की दलीलों का किया विरोध। हमारा दलील आज उच्च न्यायालय के समक्ष ये थी कि अप्रोप्रिएशन बिल में डिवीजन नहीं होने के मुद्दे को केंद्र सरकार ने मुख्य मुद्दा बनाया है राष्ट्रपति शासन लागू करने का। हमने कोर्ट को विभिन्न कानूनी तथ्यों, संसदीय प्रणालियों, रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि अप्रोप्रिएशन बिल में कोई विवाद नहीं हो सकता, कोई डिबेट नहीं हो सकता और मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। कल शायद इंटरवीनर्स हैं कुछ, वो आर्ग्यू करेंगे और 18 तारीख को अगली डेट है, तब सरकार का पक्ष जो है पूर्ण रूप से फिर रखा जाएगा। सुनवाई कल भी जारी रहेगी सर? सुनवाई जो कल जारी रहेगी वो ज्यादा इंटरवीनर्स की तरफ से है, कुछ आई थिंक कुछ जो एमएलएज हैं शायद उनका है, हो सकता है जो स्पीकर के लिए है वो हो, मुझे ये तो जानकारी उतनी नहीं है। भारत पाक रिश्तों में फिर दरार आ गई है। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाक के बीच की शांति वार्ता स्थगित हो चुकी है। भारत ने पाक के बयान का खंडन किया है। पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, पाकिस्तान के मन में कोई खोट नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत को उन्हें वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए और अपने राजदूत को वापस बुलाना चाहिए। लेकर किंग विजय माल्या के प्रस्ताव को बैंकों की तरफ से रिजेक्ट किए जाने के बाद कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से कहा कि वो कितनी
टोकन मनी जमा करेंगे, जिस पर माल्या के वकील ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या 21 अप्रैल तक अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करें। कोर्ट ने माल्या के वकील से यह भी पूछा कि माल्या देश वापस कब लौट रहे हैं। अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। राहुल ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी। मुंबई के डिंडोसी कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमनी नदी की हिफाजत के लिए प्रशासन ने हथियारबंद गार्ड तैनात किए हैं। यह तैनाती प्रशासन ने किसानों की तरफ से पानी की चोरी को रोकने के लिए की। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की फीस में बढ़ोतरी करते हुए 90,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है, यानी 4 साल में 8 लाख रुपए फीस के तौर पर देने होंगे। बीपीएल परिवारों की फीस माफ होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आईपीएल 9 का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शनिवार को पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। अदालत ने गुरुवार को कहा कि मुंबई में पहले मैच का आयोजन कैंसिल करने के संबंध में याचिका काफी देर से फाइल की गई है। हाईकोर्ट इस मामले में 12 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगा। बॉलीवुड की धमाकेदार प्रस्तुति के साथ आज से आईपीएल शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच शनिवार को खेला जाएगा। देशभर में आज से नवरात्रि की पूजा शुरू हो गई है। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्र की शुरुआत होगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर नागपुर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर नागपुर में गुड़ी पाड़वा मनाया गया। नागपुर महापालिका ने एड्स को दूर भगाने के लिए बड़े पैमाने पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बुलंदशहर में नारी संरक्षण गृह में रह रही 4 लड़कियां महिला संरक्षण गृह से फरार हो गईं। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी मामले की जांच में जुट चुके हैं। पुलिस को उनकी तलाश। आजमगढ़ में देर शाम बाइक सवार हमलावरों ने एलआईसी एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़ाया बाजार की है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मेरठ में दहेज लोभी दूल्हे ने दहेज न मिलने पर शादी से इनकार कर दिया। लड़की वालों ने दूल्हे को बनाया बंधक। पुलिस मौके पर पहुंचकर दूल्हे को पिता समेत थाने ले आई। रायबरेली पुलिस के हत्थे 4 छात्र चोर चढ़े हैं। पुलिस ने इन चोरों के पास से एक बाइक और लाखों के जेवरात समेत नकदी भी बरामद कर ली है। सीतापुर में एक 7 साल की बच्ची के साथ घर में घुसकर उसके पड़ोसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संत कबीरनगर में घनघटा तहसील के कानूनगो को एंटी करप्शन की टीम ने किसान से 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि आपदा के तहत आए रकम के भुगतान के बदले में किसान से कानूनगो ने 5,000 रुपए की मांग की थी। कुशीनगर दबंगों ने मामूली विवाद में दलित की झोपड़ी में आग लगा दी। आग की चपेट में आने से एक महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं मृतका का पति और भतीजा भी घटने में बुरी तरह से झुलस गए हैं। रायबरेली में सफाई कर्मचारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। साथ ही कर्मचारी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया। झांसी में पुलिस कोर्ट और जेल को गुमराह कर 2 फरार अवैध शराब कारोबारियों ने अपनी जगह दूसरे लोगों को कोर्ट में सरेंडर कराकर जेल भिजवा दिया। गाजियाबाद में बहू की मौत मामले में बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और बेटे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। एनआईए अफसर तंजील अहमद हत्याकांड को रेहान मुनीर और अजहर जैनुल ने अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आज बिजनौर जाएंगे डीजीपी जावेद अहमद। सामने आया एनआईए अफसर की हत्या के आरोपी का चेहरा। मुनीर ने एनआईए अफसर तंजील अहमद को मारी थी 24 गोलियां। तंजील अहमद के मरने तक फायरिंग करता रहा मुनीर। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद हत्याकांड में जिस पकड़े गया मुनीर अलीगढ़ में एक के बाद एक करीब 5 दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। तंजील अहमद
हाई प्रोफाइल मर्डर मामले में मुनीर का नाम आने पर अलीगढ़ पुलिस उसका आपराधिक बायोडेटा बनाने में लग गई है। यूपी के बाराबंकी में रहने वाले मोहम्मद यासीन की जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों ने पुलिस के सामने मिट्टी का तेल डालकर उसको आग लगा दी। युवक चीखता रहा, जब तक आसपास के लोगों ने आग बुझाई तब तक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गाजियाबाद में कांग्रेस के पूर्व पार्षद की पिटाई और दबंगई से आहत छात्र आदेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने सुसाइड नोट में कांग्रेस नेता सुनील चौधरी और उसके एक साथी को सुसाइड के लिए जिम्मेदार बताया। पीलीभीत में रेप के आरोप में सपा नेता राम अवतार गिरफ्तार। पीड़ित ने आरोपी को बताया मुंह बोला मामा, 6 साल तक दुष्कर्म, 2 बार कराया गर्भपात, भांजी की शादी के बाद भी करता रहा रेप। अमेठी में कोतवाली पुलिस ने जबरन गाड़ियों को कब्जे में लेने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अवैध ढंग से शहर की गाड़ियों को पुलिस उठा रही है और पूछने पर गाड़ियों के लॉक न होने और सुरक्षा का हवाला दे रही है। बुलंदशहर में दहेज लोभी बाप बेटे की करतूत। निकाह के बाद की बाइक की डिमांड, गरीब परिवार के बाइक न दे पाने पर दुल्हन को छोड़कर फरार हुआ दूल्हा। इटावा में महिला प्रोफेसर को सोते वक्त उसके घर में जिंदा जला दिया गया। परिजनों ने महिला के पति पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर के बानगर गांव में 2 पक्षों में हिंसक भिड़ंत। जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव और लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों से 10 लोग घायल। कैबिनेट मंत्री आजम खान के गृह जनपद में ही सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट हाशिए पर है। रामपुर में बने लोहिया आवास जमींदोज होने की कगार पर है। खंड विकास स्तर पर की गई धांधली से हर कोई सख्ते में है। असंसदीय बयान पर बढ़ी आजम खान की मुश्किलें। राज्यपाल ने कहा सीएम के विदेश दौरे से वापस आने पर आजम पर कार्रवाई को लेकर बात करूंगा। कुल मिलाकर 60 वाक्य उसमें है, उसमें से 20 वाक्य विधानसभा के अध्यक्ष ने असंसदीय के नाते निकाला। एक प्रतिलिपि मैंने जानकारी के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भी रखी है, वो भी विदेश गए हैं, आएंगे। बरेली के बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंद डाला, जिसमें बाइक पर सवार एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आईजी लखनऊ जोन लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए। पीलीभीत में वकील की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले के बाद वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने महिला और पुलिस के बीच अवैध संबंध का आरोप लगाया है और एक वकील ने आत्मदाह की धमकी दी है। राज्यसभा सदस्य विनय कटियार ने देवबंद के द्वारा जारी किए गए फतवे पर बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों ने फतवा जारी किया है उस देवबंद में आतंकवादी जन्म लेते हैं। मुजफ्फरनगर में कोल्हू की चिंगारी के पास में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली व बुग्गी जलकर खाक हो गई और जब तक फायर सर्विस दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। शाजापुर में शादी में लड़के वालों ने गाड़ी और वॉशिंग मशीन को लेकर लड़की पक्ष पर हमला बोल दिया। शादी समारोह में हुई इस जबरदस्त मारपीट में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। फतेहपुर जिले में एक मासूम की कब्रिस्तान में भरे पानी में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। फतेहपुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कानपुर में तेज रफ्तार से आ रही नगर निगम की गाड़ी ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में बैठे 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फैजाबाद गुमनामी बाबा के सामानों को टेक्निकल टीम ने 2 दिन में 26 बक्सों से 470 सामानों को चयनित किया है। टेक्निकल टीम अभी अन्य सामानों को चयनित करने में लगी हुई है। आगरा में बाइक ओवरटेक करने को लेकर 2 बाइक सवारों ने मेटाडोर चालक की जमकर धुनाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बाराबंकी के बड्डूपुर इलाके में 2 विशालकाय डॉल्फिन मछली कहीं से बहकर
शारदा नहर में आ गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों डॉल्फिन मछलियों के रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बुलंदशहर की क्राइम ब्रांच टीम ने एक असलहा सप्लायर को 8 तमंचों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी मेरठ से हथियार लेकर आता था। गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर गर्मी का आगाज हो जाने के बाद भी इनको आरओ मशीन शोपीस बनी हुई है। ऐसे में दूर दराज से यात्रियों को ठंडा पानी व आरओ पानी से महरूम रहना पड़ रहा है। गोंडा के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में महिला सिपाहियों की भर्ती के लिए प्रदेश भर से आई महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया। इस परीक्षा में सैकड़ों महिलाओं ने दौड़ परीक्षा में भाग लिया। मिर्जापुर के चील थाना क्षेत्र के चेतगंज के पास तेज रफ्तार इंडिगो कार ने एक महिला और लड़की को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। लखनऊ के मोदीनगर के राजकीय बाल गृह में बरेली महिला संरक्षण गृह से स्थानांतरित की गई दो संवासिनियों के गर्भवती होने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद तमाम महिला संगठनों ने इसकी निंदा की है। मधुबनी में श्रम विभाग ने कई कालीन बुनाई लूम पर छापेमारी कर दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। दोनों बाल श्रमिकों से 14-14 घंटे कालीन बुनाई का काम करवाया जाता था। एसोचैम ने एक बार फिर यूपी सरकार की लघु उद्यम निवेश से संबंधित नीति की जमकर तारीफ की है। लखनऊ चैप्टर की ओर से आयोजित प्रेस रिमिक्स में एसोचैम ने अखिलेश सरकार के लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम को सकारात्मक करार दिया। फैजाबाद में नवरात्रि के त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अयोध्या में प्रवेश मार्गो, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर चेकिंग की जा रही है। बरेली में बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को 3 दिन तक हथियारों की नोक पर बंधक बनाकर रखा और दंपति के मकान का बैनामा कराने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग की सूझबूझ से बदमाशों की पोल खुल गई और बदमाश कंपनी के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। मऊ में एक सिपाही ने अपने साथी के साथ मिलकर एक ड्राइवर को लात घूसो और डंडों से पीटा। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने सिपाही का ऑटो चलाने से इनकार कर दिया था। ड्राइवर की गंभीर हालत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाराजगंज का जिला अस्पताल मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहां पर डॉक्टर्स नर्स नहीं अनजान शख्स भी रोगी के कमरे में पहुंच जाते हैं, फिर मरीज का नब्ज टटोलने लगते हैं। जब तक तीमारदार कुछ समझे अनजान शख्स अपना कारनामा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। मेरठ पुलिस टीम ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ अभियान चलाकर 10 शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर लूट और चोरी की 30 मोटरसाइकिल सहित असलहा भी बरामद किया है। बागपत में बागपत शुगर मिल परिसर में रखी खोई में अचानक आग लग गई और आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। गाजीपुर में बिजली जिसका करोड़ों का बकाए को लेकर बिजली विभाग सख्त है और बकाए के लिए बिजली विभाग ग्रामीण इलाकों के लिए योजना के माध्यम से वसूली कर रही है, तो शहरी इलाकों में टीम बनाकर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर में किन्नरों ने 16 श्रृंगार का सामान नरेंद्र मोदी और जेटली के चित्रों को भेंट कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बेसिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर अप्रैल माह में हर वर्ष रैली निकालकर प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। भदोही के औराई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर 3 युवकों ने एक चालक के साथ मारपीट की और उसकी गाड़ी टाटा मैजिक को लूट लिया। इटावा में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया और दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी, जिनके पास 3 बच्चियां भी हैं। हाथरस में पुलिस ने सट्टा किंग चतुर्भुज गुप्ता उर्फ चतुरा के घर दबिश दी। मौके पर पुलिस ने सट्टा किंग के बेटे को हिरासत में ले लिया है, जिसे पुलिस पूछताछ कर रही है। अंबेडकर नगर में 26 मार्च को टांडा के धागा व्यापारी से हुई 4 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 5 युवकों को सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गोरखपुर के सीकरीगंज और चौरी चौरा थाना क्षेत्र में खेत में भीषण आग लग गई, जिससे सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। गांव वालों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।
चंदौली में पुलिस ने लूट की तीन वारदातों का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें माइक्रो कंपनी का एक कर्मचारी भी शामिल है। फिरोजाबाद में पुलिस ने कार से जहर खुनानी कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और पांच आरोपी सहित लूट का माल बरामद किया है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। औरैया में कैदियों की सुरक्षा में लगे पुलिस के सिपाही कैदियों के परिजनों से कुछ रुपए लेकर सड़क पर गाड़ियां रोक कर उनकी मुलाकात कराते हैं। इस बीच कैदियों को परिजनों द्वारा सामान भी उपलब्ध कराया जाता है। देवरिया जिले के स्वर्ण व्यवसायियों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदेश में 36वें दिन स्वर्ण व्यापारियों ने अपना सिर मुंडवाकर केंद्रीय वित्त मंत्री के ब्रह्म भोज का आयोजन किया। मऊ में पति को शराब पीने से रोकने पर पति ने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की और फरार हो गया। मामला मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के भातकोल गांव का है। सिद्धार्थनगर के इटवा और डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में कई गांव चेचक की चपेट में हैं। इस बीमारी के चलते यहां दो बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं 50 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। प्रतापगढ़ में नववर्ष महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा तुलसी सदन में आयोजित नववर्ष समारोह में राज्यपाल राम नाईक ने की शिरकत। रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र के मेहंदी नगर गांव में एक महिला के साथ करीब 14 महीने पहले रेप किया गया था। पीड़ित को तो न्याय नहीं मिला बल्कि पुलिस के मिलकर आरोपी ने अपनी पत्नी से मिलकर पीड़ित के परिजनों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों पर पुलिस का सितम। सीओ अनवरगंज विवेक त्रिपाठी ने श्रमिकों को मारे थप्पड़ और घूसे। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस शुगर मिल कंपाउंड में रह रहे श्रमिकों से मकान खाली कराने गई थी। इलाहाबाद के एक पुलिस इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह को साउथ की एक फिल्म में किरदार निभाने का ऑफर मिला है। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। अनिरुद्ध सिंह ने न केवल तस्करी का धंधा बंद करवाया बल्कि कई खूंखार हिस्ट्री शीटर और लुटेरों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है। औरैया में कैदियों की सुरक्षा में लगे सिपाही ही कर रहे सुरक्षा से खिलवाड़। कैदियों के परिजनों से कुछ रुपए लेकर सड़क पर गाड़ियां रोक कर कराते हैं मुलाकात। बिना जांच के बीड़ी सिगरेट भी कराते हैं उपलब्ध। शाहजहांपुर में ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में चार लोगों की मौत, 20 घायल। शाहजहांपुर में अंडरग्राउंड पड़े केवल तार कटने से रेल सिग्नल हुए फेल, जिससे लखनऊ से दिल्ली रूट की कई गाड़ियां स्टेशन पर खड़ी कर दी गईं, जिसके चलते ट्रेन कई घंटे लेट हो गई। वाराणसी के गहना कारीगर पलायन कर रहे हैं, अब तक 20,000 से ज्यादा कारीगर पलायन कर चुके हैं। बागपत के बोपुरा गांव में दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों से पहलवानों ने हिस्सा लिया। यहां अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवान सुनील पहलवान भी पहुंचे। फरुखाबाद में बासंतीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में रंगाई पुताई चल रही है। आगरा के थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड के एक होटल से पुलिस ने 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 11.5 लाख रुपए नकदी बरामद की है। फरुखाबाद के बोर्ड परीक्षाएं मजाक बनकर रह गई हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। सूत्रों की माने तो कॉपियों पर सभी के जवाब सही हैं और सभी के जवाब एक जैसे हैं। बीजेपी के जिला संयोजक धन सिंह नेगी ने प्रेस से मुखातिब होते हुए खुलासा किया कि टीएचडीसी करोड़ों के राजस्व की चोरी करने में लगा है। प्रदेश भर में लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरी, 10 अप्रैल को होगी शुरुआत, 18 अप्रैल तक चलेगी यात्रा। बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने पूर्व सीएम हरीश रावत की पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और अब जनता के सामने नाटक कर रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी हैं, जिसमें वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण, महंगाई भत्ते जैसी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जहां से संविदा कर्मचारी संतुष्ट नजर आए। बागी विधायक उमेश शर्मा काउ ने देहरादून पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की।
चारधाम यात्रा मार्ग की तैयारी को लेकर लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। उधर राज्यपाल ने भी साफ कर दिया है कि अधिकारी अपने केबिन से बाहर निकलकर विकास की जमीनी हकीकत जानें और खुद निरीक्षण करें। देहरादून के पचवादून इलाके में एटीएम लूट के सीसीटीवी फुटेज सामने आने से पुलिस की कार्रवाई सवालों में है। बदमाश एटीएम में आराम से तोड़फोड़ कर रहे हैं तो बाहर पुलिस की जीप हूटर बजाते हुए जा रही है, लेकिन बदमाश अपने काम में जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी के डोथरी गांव में वन तस्करों के साथ मुठभेड़ में एसटीएफ के जवान अनंत यादव सिंह शहीद हो गए। अनंत यादव हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय के रहने वाले थे। उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक में चौरंगी खाल में तस्करों के हाथों मारे गए सिपाही अनंत यादव के मामले में पुलिस सतर्क हो गई है। एडिशनल एसपी और एसएसपी एसटीएफ को उत्तरकाशी जिले में ठहराने के निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून में एसटीएफ सिपाही की हत्या का मामला सामने आया है। दून से टिहरी के लामबगड़ गई थी एसटीएफ की टीम, जहां वन तस्करों ने सिपाही की गोली मार दी और हत्या कर दी। देहरादून के सहसपुर थाना इलाके के सेलाकुई इलाके में एटीएम तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश कामयाब नहीं हो पाए। बदमाशों ने गार्ड पर हमला कर दिया। यूपीसीएल ने वित्तीय साल में वसूली का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल में यूपीसीएल ने 5300 करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसके बाद प्रबंधन ने सभी अधिकारी कर्मचारी और यूनियनों का धन्यवाद दिया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश जोशी ने हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जो आरोप उन्होंने तत्कालीन सरकार पर लगाए थे वो सभी सही साबित हो रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल अल्मोड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व की हरीश रावत सरकार पर भी निशाना साधा और हरीश सरकार को बाप बेटे की सरकार करार दिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर टिहरी में स्वास्थ्य विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की सलाह दी गई। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज सभागार में हिंदू नववर्ष के मौके पर एबीवीपी द्वारा नव प्रभात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां की गई। रुड़की में भगवानपुर की बीडीओ प्रेमवती अरोड़ा के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख और दर्जनों ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है। गुस्साए दर्जनों ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुख मुनेश सैनी ने भी बीडीओ को खूब खरी खोटी सुनाई और उनका आरोप था कि ब्लॉक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जारी है। हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन कर निजी स्कूलों का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कमीशनखोरी करने वाले निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एनएस नपचियाल ने पिथौरागढ़ पहुंचकर अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने सभी विभागों में जनजाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर अल्मोड़ा पुलिस लाइन में जवानों को स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी गई। डॉक्टरों ने कहा कि जब कोई भी दुर्घटना होती है तब पुलिस की जवानों की अहम भूमिका होती है। चंपावत जिला मुख्यालय में बेरोजगार हुए गेस्ट टीचरों ने जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले भर से आए गेस्ट टीचरों ने जल्द अनुबंध का नवीनीकरण न होने की सूरत में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। रुद्रप्रयाग में हुई रिमझिम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। विकासनगर के चक्राता अंतर्गत दोधा गांव में यूटिलिटी पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में दो दिन पहले हुई डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने धर्मवाला थाना क्षेत्र में छिपे चार डकैतों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। देहरादून में सुद्धोवाला जेल से रिहाई के दौरान कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि सूबे के सबसे बड़े महाविद्यालयों में शुमार पिथौरागढ़ महाविद्यालय के 54वें स्थापना दिवस को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बीच होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर के पास बनी पहाड़ी के जंगलों में भीषण आग लग गई। देर शाम हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम विनय शंकर पांडे ने यात्रा से जुड़े विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सड़क से लेकर संचार की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। 25 मई से सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। यात्रा को लेकर
गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वरा भास्कर और रिया शुक्ला स्टारर फिल्म नील बटे सन्नाटा का नया गाना मैक में डब्बा गुल रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर वीजा ना होने की वजह से मुसीबत में फंस गए। बिना वीजा किए यात्रा करने पर करीब ढाई घंटे तक अक्षय कुमार को एयरपोर्ट अधिकारियों ने हिरासत में रखा। बी टाउन सेलेब्स ग्लोबल इंडिया म्यूजिक एकेडमी अवार्ड 2016 अटेंड करने पहुंचे। इन दिनों पनामा पेपर लीक होने की वजह से कंट्रोवर्सी में फंसे बिग बी शो के रेड कार्पेट पर नहीं बल्कि बैक स्टेज पर दिखाई दिए। हाल ही में सोशल मीडिया पर सलमान खान के भांजे आहिल की कुछ फोटोज सामने आई हैं, जिसमें उनकी नाइट ड्रेस पर सुपर शर्मा लिखा हुआ है। फिल्म द जंगल बुक आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी इंसान के बच्चे मोगली की है, जो जंगल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता है। विजय बालन इन दिनों कहानी 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं। कहानी 2 2012 की हिट मिस्ट्री थ्रिलर कहानी की सीक्वल है। सलमान खान की हिट फिल्म दबंग और दबंग 2 का तीसरा पार्ट अगले साल तक आने की उम्मीद है। प्रियंका चोपड़ा ने बिपाशा और करण की शादी की खबर ट्विटर के जरिए कंफर्म कर दी है। प्रियंका ने ट्विटर पर बिपाशा और उनके होने वाले पति करण को शुभकामनाएं दी हैं। बुधवार की रात विराट मुंबई के बांद्रा स्थित एक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ डिनर करते नजर आए। इतना ही नहीं, दोनों होटल से निकलते वक्त काफी कूल नजर आए। ऋतिक और कंगना की हेट स्टोरी में हर दिन कुछ न कुछ नया मोड़ आ रहा है। अब मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर होता दिख रहा है। कंगना ने ऋतिक पर उनके प्राइवेट तस्वीरें लीक करने का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी धनक का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की कहानी है राजस्थान में रहने वाले दो बच्चों की, जो शाहरुख के जबरदस्त फैन है। खबर है कि एक्टर हेमंत बिरजे को कोर्ट के आदेश पर उनके घर से निकाल दिया गया है। बिरजे पर इस घर पर कब्जा करके रहने का आरोप था। आमिर खान ने फिल्म दंगल बढ़ाए गए अपने वजन को घटा लिया है, वो एकदम फिट हो गए हैं। आमिर खान फैन के ट्विटर पेज पर कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। ऋषि कपूर ने बिहार में शराबबंदी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह अब शायद बिहार जाने से बचेंगे। बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य में हर प्रकार की शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। 8 अप्रैल को प्रदर्शित होने वाली डिज्नी यूटीवी की फिल्म जंगल बुक को उन्होंने यूए सर्टिफिकेट दिया है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद निहलानी की इस फिल्म को दिए गए इस सर्टिफिकेट को लेकर बॉलीवुड में काफी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा खान बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। इस खबर को पुख्ता करने के लिए सारा की एक नई फोटो सामने आई है, जिसमें वो काफी फिट नजर आ रही हैं।